हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सॉरी, मैं कल व्लॉग नहीं डाल पाई थी। और आज आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में बताइए, और ब्लॉग लेके हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। तो ब्लॉग में देखिए, मेरा ये जो बेड है मेरी शादी का, आज ये जा रहा है। मेरा दिल बहुत दुख रहा है फ्रेंड्स, सच में दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आप लोगों से कि मेरा दिल कितना दुख रहा है। तो ये क्योंकि इससे ना मुझे बहुत प्यार दुलार लग गया था मेरे इस बेड से, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये मेरी शादी के टाइम मुझे मिला था मेरा ये बेड। और ये ना फ़िलहाल टूट गया है, नीचे से इसकी लकड़ियाँ भी बहुत सड़ गई हैं और फूल गई थी। तो इस पे जब भी बैठो ना तो बहुत आवाज़ साउंड आ रहा था, इसकी प्लाई अंदर घुस जा रही थी, तो ठीक नहीं था। मेरे हस्बैंड को भी जो भी काम होता है ना वो एकदम प्रॉपर चाहिए रहता है, उन्हें पसंद नहीं है मतलब कि कुछ भी काम ऐसे टूटा फूटा फटा ये सब काम ना उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें जो भी हो एकदम परफेक्ट सामान चाहिए रहता है। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ सामान तो थे नहीं। तो फ्रेंड, बेड जा चुका है और ये देखिए यहाँ पे पूरा बहुत ज़्यादा गंदा है। तो मैंने यहाँ पे सरफ और डाल दिया है फिनेल, और ये रहा देखिए पूरा सामान ऐसे ही सब पड़ा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे पोछा लगाने, यहाँ पे पोछा लगाऊंगी पूरे रूम में। अभी रूम बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्पेसियस दिख रहा है और मुझे जाना है अभी बाहर भी। तो मैं तो यहाँ ना पानी डाल के ना पूरा धोने वाली थी, लेकिन बेड में से जो भी मैं सामान निकाली थी ना, तो वो सारा सामान मैंने यहीं पे रखा है। और जो भी सामान था सिर्फ कपड़े से, सारे कपड़े ही थे, मतलब गद्दे थे बच्चों के और उसके अंदर बच्चों के टॉयज़ थे। तो अगर मैं पानी डाल के सारा धो देती ना तो पूरे घर में मतलब कि मॉइस्चर हो जाता और सब गीला गीला हो जाता। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं नहीं, बस साबुन डाल के ना तुम पोंछ दो, क्योंकि मेरा जहाँ तक हाथ जाता था ना मैं वहाँ तक प्रॉपर झाड़ू लगा देती थी बेड के नीचे, और जहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाता था ना तो वहाँ तक ना झाड़ू जाता था ना पोछा, क्योंकि मेरे वो वाले बेड के नीचे ना गैप था। तो अभी हस्बैंड ने बेड का ऑर्डर और गद्दे का भी ऑर्डर दे दिया है, और ये गद्दा बेड दोनों ही चेंज करा दिया है मेरा। तो पता नहीं, वही गए थे चॉइस करने, वही लेने भी गए थे, मुझे तो कुछ आइडिया है नहीं कि कौन सा लेके आ रहे हैं कैसा है। अब तो आएगा तभी ही मुझे पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड कौन सा बेड लेके आ रहे हैं और किस तरीके का है। तो ठीक है, वेट करती हूँ, जो भी लाएंगे अच्छा ही लाएंगे। उन्होंने मुझे दो तीन पिक भेजी थी वहाँ से दुकान में, उन्होंने मुझे बोला था आफ्टरनून में वो गए थे सिलेक्ट करने के लिए, बट मैं आफ्टरनून में सोती हूँ तो इसकी वजह से मैं नहीं गई। तो अभी मैं पूरे घर में लगा दे रही हूँ अच्छे से पोछा। देखिए यहाँ पर सारा सामान भी पड़ा हुआ है, तो बस यहाँ पर बस पोछा लगाऊँगी। और बहुत ज़्यादा गंदा तो था भी नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा था जो कि ऊपर ऊपर तक वॉल है, टाइल्स है ना, तो मैंने वो सब टाइल्स वगैरह पोछ दिया अच्छे से और पंखा चालू करके सब छोड़ दिया, अच्छे से सारा सूख भी गया है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे अच्छे से पूरा घर में, पूरा बेडरूम में ही अच्छे से पोछा लगा दिया, और यहाँ वहाँ सारा सामान जो बिखरा है ना, अब बेड आएगा तभी ही रखाएगा। और मुझे बाहर भी जाना है क्योंकि कल के दिन है मेरे बच्चों का बर्थडे, और ये आज का जो ब्लॉग है ना ये 14 फेब का है, वैलेंटाइन डे वाला ब्लॉग है, उसी दिन का ब्लॉग है ये शाम से। तो हाँ, 4 बजे से मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है, और उसके बाद मुझे मार्केट भी जानी है, घर के काम निपटाने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, और देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ क्या क्या नहीं। जो जो होगा ठीक है, जो नहीं होगा वो देखा जाएगा, बाद में कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। फ्रेंड, मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, और चश्मे का मतलब अलग ही शाइनिंग आ रहा है, तो मैं रेडी हो गई हूँ, अंधेरा भी हो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, थोड़े बहुत बर्थडे का शॉपिंग करना है, केक ऑर्डर करना है, और जो भी नाश्ता वगैरह है जो क्या क्या रखूँगी बर्थडे में, तो वो सब के लिए ऑर्डर देने जाना है। तो अभी जा रही हूँ, बहुत भाग दौड़ है, आऊँगी खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद में बेड जो ऑर्डर किया है बेड भी आएगा। अभी घर एकदम साफ़ कर दिया है, पोछा ओछा लगा दिया, अब मैं जाती हूँ शॉपिंग के लिए। मेरी नेल्स देखिए कितनी, मेरे कपड़े से एकदम मैचिंग आ रही है ना, शाइनिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने हल्का सा लिप ग्लॉस लगाया है, चलती हूँ, कान में कुछ नहीं पहना है, बहुत लेट हो रहा है।
तो फ्रेंड हम लोग शॉपिंग करके जैसे ही लौट रहे थे ना, तो वैसे ही भैया नीचे आके खड़े हुए थे, बेड वाले भैया। तो ये रहा मेरे बेड का जो भी पार्ट्स है, वो उन लोग लेके आए थे, बस यहाँ पे अटैच करना था। तो देखिए ये बेड हमें आप लोग बताइएगा ये बेड का प्राइस कितना हो सकता है। तो ये हम लोग शोरूम में था, है हमारे यहाँ पे, वहाँ शोरूम से मेरे हस्बैंड बुक कर दिए थे, तो उन लोग ले आके यहाँ पे बस फिटिंग कर रहे हैं। और हाइड्रोलिक वाला है, बहुत ही अच्छा बेड है। तो बेड लग गया है, ये देखिए मेरा बेड फाइनली लग गया है। बट अभी गद्दा नहीं आया है, ये बच्चों वाला दो गद्दा था उसे अटैच करके मैंने लगा दिया है। और कल इसका चद्दर चेंज करूँगी और दूसरा बिछाऊँगी, क्योंकि कल सभी लोग आएंगे, गंदा तो करेंगे ही बैठ के। तो गले में खराश हो रखी है, अब मैं चलती फटाफट खाना बनाऊँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है फ्रेंड्स। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ फटाफट, कल के ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि कल है रिद्धि सिद्धि का बर्थडे। प्लीज़ मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा। तो कल मिलती हूँ आप लोगों को नए ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, लव यू, गुड नाइट।